और लेह के बाद पीएम मोदी जम्मू पहुंचे। यहां उन्होंने 6000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम ने यहां एक जनसभा को भी संबोधित किया। पीएम ने संबोधन के दौरान कई अहम मुद्दों का जिक्र भी किया। लेह में कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जम्मू पहुंचे। मोदी ने यहां 6000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों का जिक्र किया, साथ ही साथ एनआरसी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकारों का अगर करतारपुर पर ध्यान गया होता तो गुरु नानक देव की भूमि हमारे भारत का हिस्सा होती। अगर ध्यान गया होता तो आज हमारे गुरु नानक देव जी की भूमि हमारे देश में होती, हिंदुस्तान का हिस्सा होती। इसी तरह पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में ऐसे अनेक मां भारती की संतानें हैं जिनके साथ अत्याचार हुआ है। हमारे इन भाइयों बहनों की पीड़ा पर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। हम एक संकल्प के साथ नागरिकता कानून में संशोधन का प्रस्ताव लाए हैं। वहीं अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कश्मीरी पंडितों के अधिकार, सम्मान और गौरव के लिए समर्पित है। मेरे कश्मीरी पंडित, कश्मीरी विस्थापित भाई और बहनों का केंद्र की सरकार उनके अधिकार, उनके सम्मान, उनके गौरव के लिए प्रतिबद्ध है, समर्पित है। हिंसा और आतंकवाद के जिस दौर में उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा, जो यातनाएं सहनी पड़ी, वो हिंदुस्तान कभी नहीं भूल सकता। मैं हर अवसर पर कहता नहीं हूं, लेकिन वो पीड़ा मेरे मन में हमेशा रही है। पीएम मोदी ने दो दिन पहले पेश हुए अंतरिम बजट का जिक्र करते हुए कहा कि हमने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को मजबूत किया है। साथ ही बजट को दलित, आदिवासी, युवा, किसान, बुजुर्ग, मध्यम वर्ग का बजट बताया। जो बजट पेश किया गया है उसने सबका साथ सबका विकास के हमारे संकल्प को और मजबूत बनाया है। ये बजट गरीब, किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, युवा हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, दलित हो, आदिवासी हो, हर किसी के विकास को गति देने वाला है। वहीं पीएम मोदी ने किसानों की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस की सरकार वाले राज्यों पर निशाना भी साधा। पीएम ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे पर कांग्रेस ने चुनाव जीता लेकिन कर्ज माफ नहीं किया। 6 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था, 6 लाख करोड़ में से कर्ज माफी के नाम पर चुनाव लड़ा, किसानों के वोट बटोर लिए, किसानों की आंख में धूल चौंक दी, सत्ता पे बैठ गए। आने के बाद किया क्या? आप चौंक जाएंगे भैया, 6 लाख करोड़ का कर्ज था, माफ किया सिर्फ 52,000 करोड़ रुपए। अपने भाषण के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू के नौजवानों पर पूरा फोकस रखा। इस दौरान उन्होंने एम्स और मेडिकल कॉलेज खोले जाने का जिक्र भी किया। भाई और बहनों, ये जो 750 बेड का अत्याधुनिक एम्स यहां बनने जा रहा है, इससे जम्मू वासियों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं तो मिलेगी ही, शहर के दूसरे मेधावी छात्रों के लिए अनेक नए अवसर भी बनेंगे। एम्स के साथ साथ अनंतनाग, बारामूला, डोडा, कठुआ और रजौरी में
5 मेडिकल कॉलेजों को बनाने का काम तेजी से चल रहा है। इन कॉलेजों के लिए केंद्र सरकार ने 750 करोड़ रुपए से ज्यादा का फंड जारी कर दिया। साथ ही पीएम मोदी ने ये भी बताया कि जम्मू के युवाओं के लिए मेडिकल की सीटें भी उनकी सरकार ने बढ़ाई हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 70 साल में 500 ही एमबीबीएस की सीटें थी, जो भाजपा सरकार के प्रयास के बाद अब 2 गुनी से भी अधिक होने वाली है। एम्स मेडिकल कॉलेज के अलावा कठुआ का इंजीनियरिंग कॉलेज और जम्मू में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का नया कैंपस यहां के युवा साथियों को प्रोफेशनल एजुकेशन के नए अवसर देने वाले हैं। मुझे बताया गया है कि यहां पर आईआईटी की बिल्डिंग का काम भी पूरा हो गया है और आईआईएम के बिल्डिंग के लिए काम शुरू होने जा रहा है। जम्मू पहुंचे पीएम मोदी ने यहां सौगातों का पिटारा खोल दिया। इनमें एम्स, इंजीनियरिंग कॉलेज, भारतीय जनसंचार संस्थान का नया कैंपस, इंफ्रास्ट्रक्चर के अन्य प्रोजेक्ट शामिल हैं।